झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कई करीबी कारोबारियों के यहां ईडी छापामारी कर रही है। साहिबगंज में 1000 करोड़ के अवैध पत्थर खनन मामले में ईडी की टीम ने दर्जन भर ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। ये ठिकाने राजस्थान, झारखंड और पश्चिम बंगाल में हैं। इन ठिकानों में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद उर्फ पिंटू के रांची स्थित आवास, साहिबगंज के उपायुक्त रामनिवास यादव के साहिबगंज और राजस्थान स्थित ठिकाने, आर्किटेक्ट विनोद कुमार के रांची स्थित ठिकाने, खुडानिया ब्रदर्स के साहिबगंज स्थित ठिकाने, पोड़ेयाहाट के विधायक प्रदीप यादव के देवघर स्थित आवास, साहिबगंज के DSP राजेंद्र दुबे के साहिबगंज और हजारीबाग स्थित ठिकाने, अभय सरावगी के कोलकाता स्थित आवास, अवधेश कुमार और रोशन आदि के ठिकाने भी शामिल हैं। ईडी के अधिकृत सूत्रों के अनुसार साहिबगंज में 1000 करोड़ के अवैध खनन मामले में अनुसंधान के दौरान इन लोगों की भूमिका सामने आई। अवैध पत्थर खनन मामले में वर्तमान में मुख्यमंत्री के बेरहट विधानसभा क्षेत्र के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा, नेताओं और नौकरशाहों का चहेता प्रेम प्रकाश, दाहू यादव का बेटा राहुल यादव, कृष्ण कुमार साहा, भगवान भगत और टिंकल भगत जेल में बंद है। दाहू यादव फरार है। इसी केस में बच्चू यादव और पशुपति यादव को जमानत मिली है।